वन प्लस नोट के लिए न्यू अपडेट जो आया है ऑक्सीजन ओएस 14 ओपन बीटा 1 करके, सो काफी लोग जो है इस चीज को अभी इंस्टॉल नहीं किया है, काफी डिवाइस में मिल गया है, काफी लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जैसे कि मेरा ही बात करूं, मैं खुद से इस्तेमाल कर रहा हूं। एंड वहीं पे अगर बात करें, ज्यादातर लोग जो है कमेंट कर रहे हैं इस चीज को लेके, नो टेस्ट बीटा अवेलेबल इस तरह करके देखने को मिल रहा है। जो भी पर्सन जो है डाउनलोड वाला ऑप्शन जो आ रहा है अपडेट का, वहां पर जैसे आता है वहीं पे इसे जो है देखने को मिल रहा है। कुछ रोज से काफी लोग कमेंट कर रहे हैं, इसलिए सोच रहा था कि क्यों ना आप लोग से शेयर किया जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि ओपन बीटा 1 जो है ऑक्सीजन ओएस 14 का, ये सिर्फ और सिर्फ 5000 डिवाइस में ही रिलीज किया गया है, यानी सिर्फ 5000 डिवाइस में ही इस अपडेट को रिलीज किया गया है फिलहाल के लिए। उसके बाद अपकमिंग टाइम में इसे जो है इंक्रीज करते रहेंगे, यानी हर एक डिवाइस हर एक मॉडल के लिए हो जाएगा। सो फिलहाल अगर आपको यहाँ पे ये चीज अगर देखने को मिल रहा है, सो पहले तो आपको सेटिंग पे आना है, अबाउट पे आना है, वहां पे आके थ्री डॉट पे क्लिक करके वीटा पे क्लिक करना है। वीटा पे जैसे ही क्लिक करोगे सो एप्लीकेशन सबमिट करने का होता है। एप्लीकेशन कैसे आप सबमिट कर सकते हैं ये ऑक्सीजन ओएस 14 ओपन बीटा 1 के लिए, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैं दे चुका था आपको, आप शायद देख भी चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे है, देख सकते हैं कि कैसे आपको एप्लीकेशन सबमिट करके ये ओपन बीटा 1 जो है रिसीव करना है। ओके, काफी लोग तो अप्लाई भी कर चुके हैं और उसे मिल भी चुका है। अगर आप ऐसे ही अप्लाई करके छोड़ देते हैं, उसका ये सोच रहे हैं कि बस नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे 24 से 48 घंटा टाइम लेगा, यानी 4-5 दिन भी लग सकता है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है, अगर आपके हिस्से में रहा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वहीं पे जैसे ही आता है ओपन बीटा पे, ओपन बीटा थ्री डॉट पे क्लिक करके ओपन बीटा पे जाता है वो एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, सो वहां पे उसे देखने को मिल रहा है नो टेस्ट वर्जन अवेलेबल इस तरह करके। सो अगर आपको भी इस तरह से शो ऑफ हो रहा है, सो गाइज यहाँ पे समझ लो, अगर आपको यहाँ पे ये चीज देखने को मिल रहा है, सो आप इस चीज को हटा के वो जो जिसको मिला है वो नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से दिया हुआ रहता है। सो इसके लिए आपको वेट करना होगा। ओके, कुछ दिन का आपको वेट करना होगा, तभी आपको यहाँ पे मिलेगा। एक काम आप करके देख सकते हैं, अपने फोन को रिबूट यानी रिस्टार्ट करके देख सकते हैं, और ऑल सेटिंग फोन का जो आप सेटिंग किए थे उस ऑल सेटिंग को इरेज करके, ओके इरेज करना है, और यहाँ पे फोन का जो आईडी रहता है वो आपको बना के देख लेना है। ये अगर काम कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपके इसमें देखने को मिल जाए। ओके, आपको इसमें आपके फोन पे ये वर्जन देखने को मिल जाए। अगर यहाँ पे नो टेस्ट वीजा वर्जन अगर आपको देखने को मिला नॉट अवेलेबल, सो जो काम आपको बताया बस इसी चीज को आपको फॉलो करना है। फोन के सेटिंग को रीसेट कर लेना है एक बार, फोन की सेटिंग को ही। ओके, या फिर आपने आईडी अगर नहीं बनाया है, आईडी क्रिएट कर लेना है, फोन को एक बार रिबूट यानी रिस्टार्ट करके जरूर देख लेना है। सो इस तरह से करोगे हो सकता है कि आपको मिल जाए। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो आपको वेट करना है, 101% है कि सबको मिलेगा, क्योंकि कंपनी जो भी अपडेट लाता है एक ही डिवाइस के लिए नहीं लाता है, हर एक डिवाइस के लिए लाता है। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपके पास वन प्लस से रिलेटेड कोई सा भी मॉडल है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, या फिर किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए, कमेंट कर सकते हैं, उसका वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा।